सर पे उठा ली हो घर को। मम्मा आज मैं कॉलेज का फर्स्ट डे, मुझे कुछ अच्छा पहनना, लेकिन यार कुछ मिल ही नहीं। मम्मा कुछ मदद करो ना प्लीज। ए भगवान, रुको मैं निकाल के देती। ये लो, ये पहन के आओ। ये तो इतने सारे कपड़े साथ में कैसे पहनूंगी। अरे बुद्धू, एक साथ नहीं पहनने हैं, इसमें से ट्राई करो जो सबसे अच्छा रहेगा वही पहन के जाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं ट्राई करके आती हूँ। चलो जाओ। कैसा है ये मम्मा? अरे ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा है। हाँ पता है, कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है ना, क्लास में तो हम सब लोग चलते वलते रहते, बैठते रहते, खेलते रहते, तो इसमें फ्री फील नहीं करूंगी, कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना, तो मेरे मुताबिक तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पसंद ना, दूसरा पहन के आ जाओ। हाँ ठीक है। कैसा है मम्मा? अच्छा तो लग रहा है। हाँ मुझे पता है, अच्छा तो है, लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, बहुत मोटा स्वेटर टाइप है ना, बहुत गर्मी लग रही है, उल्टा गर्मी के मौसम में कितना पसीना आएगा, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ दूसरा पहन के आ जाओ। ठीक है। कैसा लग रहा है मम्मा लुक? बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी कितना अच्छा लगा, मेरे को तो स्टार्ट से यही पसंद आया था। यस फाइनली एक कपड़ा मिला। चलो जाओ थोड़ा सा मेकअप कर लो। मेकअप? मेरे को कोई मेकअप नहीं चाहिए, नेचुरली ब्यूटीफुल, आई एम परफेक्ट। ओ मिस परफेक्ट, एक हफ्ता है कॉलेज खुले हो गया है, अभी तक तुम कॉलेज नहीं गई हो, आज तुम्हारा पहला दिन है, तो पहले दिन तो कम से कम लेट नहीं होना है, ठीक है चलो जाओ। इसमें मेरी क्या गलती थी, हम बाहर गए थे। चलो एनीवेज हो, मैं जाती हूँ, बाय। ओ भुलक्कड़, कॉलेज जा रही हूँ, कोई फैशन शो नहीं, बैग कौन लेगा? अरे हाँ चलो, ये लो बैग। हाँ ये दो। मम्मी आप मुझे भुलक्कड़ बोल रहे हो, और आप खुद मुझे टिफिन देना भूल गए। oh, no. आप चाहते हो कि आपके बच्चे भूखी रहे पूरा दिन? ड्रामा क्वीन, मैं तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझी, मैं पहले से ही टिफिन बना के रखी हूँ, चलो आ जाओ। मम्मा जल्दी करो, मेरे को लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा, ये लो। क्या दिया टिफिन में आपने? पराठे दी हूँ, वो भी देसी घी के, पूरा अच्छे से खत्म करके आना। हाँ वाह बहुत यम्मी रहेगा। मम्मा सुनो ना, कल के टिफिन में पास्ता दो ना, आपका व्हाइट पास्ता फेवरेट है मेरा। अच्छा ठीक है, आज तो जाओ टाइम से कॉलेज, फिर कल का देखेंगे। हाँ ओके बाय मम्मा। बाय। वाह यार, आज का मेरा आउटफिट कितना अच्छा है, फर्स्ट डे का इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा रहेगा इस आउटफिट के साथ। लेट्स गो। एक हफ्ते से बाहर गई थी, तो इसलिए कॉलेज नहीं आ पाई, सो टुडे इज माय फर्स्ट डे। यू आर टोटली वेलकम हियर, अगर तुझे किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, कुछ भी हो ना, यू कैन कम टू अस, आखिर हम तेरे नए फ्रेंड्स हैं ना यहाँ पे। ओह गाइस थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू ऑल। ओह माय गॉड व्हाट इज दैट? क्या है? कुछ तो नहीं है। यू, इज दैट अ स्ट्रेच मार्क? यू आर वेरी ब्रेव की जो स्ट्रेच मार्क्स के साथ ये ऑफ शोल्डर टॉप पहनती है। या और तुझे खाने में क्या लाई है? हाँ मैंने ना खाने में मम्मा ने मेरे लिए बनाया है, घी के पराठे चाहिए तुम दोनों को? You so fatty. No doubt कि तेरे पास इतना पेट कैसे निकला, ऐसा फैटी चीज खाएगी तो फिर देख देख तू बुरा मत मान, ठीक है, हम तुझे बस असलियत बता रहे हैं ना, that's what true friends do, right? आखिर हम टॉक्सिक फ्रेंड्स थोड़ी है। एग्जैक्टली, टॉक्सिक फ्रेंड्स ना तेरे मुंह पे बोलते नहीं है, हम तेरे मुंह पे सीधा ऑनेस्ट रहना है, आखिरकार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? ओ माय गॉड व्हाट इज दैट ऑन योर फेस? हाउ, कुछ लगा है क्या? ओ माय गॉड, इज इट एन एक्ने? यू शुड कवर इट अप विद सम मेकअप और समथिंग नाउ, एंड लुक एट हर अपर लिप मैन, इट्स सो टैन, यू शुड पुट ऑन अ लिपस्टिक और समथिंग नाउ, एंड
इसके बाल तो देख यार, इट्स सो ड्राई एंड फ्रिजी। ऐसे बालों के साथ खुला रह के घूम रही है, वुड लुक गुड मैन। एंड लुक एट हर ग्लासेस मैन, कितने ओल्ड फैशनड है। या मैन, सो आउट ऑफ ट्रेंड, इट डजंट सूट यू यार, तुझे ना ये नहीं पहनना चाहिए। देख हमने तुझे बता दिया जो भी हमें लगा, सो डोंट टेक इट हार्ड, जस्ट टेक इट यू नो एज अ क्रिटिकल ओपिनियन। उससे तो अपने आप को बेटर कर सकती है, यू नो। एनीवेज बाय, टेक केयर, विश यू सक्सेसफुल। लोग भी ना सही कह रहे थे, मैं भी ना कुछ भी पहन लेती हूँ, पूरे स्ट्रेच मार्क्स विजिबल है मेरे। अरे आ गई बेटा, कैसा रहा आज कॉलेज का पहला दिन? बहुत ही अच्छा था। हाँ, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। अच्छा, दोस्त नहीं बने ना? कोई बात नहीं बेटा, आज पहला दिन था ना, बन जाएंगे। नहीं 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 मम्मा, दोस्त तो बहुत बने, बस क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ। मम्मा प्लीज, मैं बाद में चली जाऊंगी। अरे तुमने अपना टिफिन भी नहीं खाया है? वो भूख नहीं थी। अब तो भूख होगी ना, अब खा लो। नहीं नहीं अभी भी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, कपड़े बदल लो, फिर खा लेना। ठीक है? ठीक है। अनु उठो बेटा, लेट हो रहा है। अनु, अरे क्या हो गया, इतना डरी क्यों लग रही हो? मेरा सपना आया। कितनी बार कहा इस लड़की को कि रात को हॉरर मूवी मत देखा करो, लेकिन कौन सुनता है मेरी। अब कॉलेज नहीं जाना क्या, लेट हो रहा है। चलो जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, मैं टिफिन बना लेती हूँ। ठीक है चलो जाओ। Cover it up with some makeup or something. इसके बाल तो देख यार, it's so dry and frizzy. ब्रेव की तो स्ट्रेच मार्क्स के साथ ये ऑफ शोल्डर टॉप पहनती है। ऐसे बालों के साथ खुला रह के घूम रही है, वुड लुक गुड मैन।
covered up with some makeup or something. And look at her upper lip, man. It's so tan. You should put on a lipstick or something, no? चश्मा लूँ क्या? And look at her glasses, man. कितने old fashioned है. रंदो. अरे अनु, आज तुमने फुल कपड़े वो भी हुडी वाले. और कल क्या बोल रही थी? नहीं नहीं गर्मी में मुझे नहीं पहनना. आज क्या बर्फ पड़ रही है क्या? नहीं वो क्या है ना मेरा मन नहीं पहनने का. अच्छा ठीक है तुम्हारा जो मन करता है वो पहनो. ये लो तुम्हारा पास्ता बनाया है कल तुमने बोला था ना रात को व्हाइट पास्ता बनाना. पकड़ो. नहीं चाहिए मुझे मुझे भूख नहीं लगेगी. क्यों पूरा दिन बिना खाए रहोगी? सुबह से मैंने इतनी मेहनत से बनाई है लो. ठीक है. पूरा टिफिन खा लेना बेटा. बाय. वो देख वो देख कैसे अनु चश्मे के बिना भूख पड़ रही है. इट वर्क्ड मैन. चल और परेशान करते हैं. हाँ ना क्यों नहीं. हाय अनु. हाय गाइस. हाय. व्हाट्स अप? नथिंग मच. अरे मेरा बैग क्यों ले रही है? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम? तेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं ट्रस्ट नहीं करती तेरे बैग के साथ. ले मानती देख देख. नहीं ना. अरे यार इस बारे में देखने देना यार. लेकिन ना मेरा बैग है मुझे नहीं. ओहो आज क्या है? पास्ता. इसमें कितने कैलोरीज होते हैं पता है? देखो अनु तू ये बिल्कुल नहीं खाएगी ठीक है? हाँ. वैसे ही तेरा पेट इतना मोटा होता जा रहा है. इफ यू ईट दैट माय गॉड इज गोना बी आउट ऑफ कंट्रोल. एग्जैक्टली. और फिर तुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा. इतनी मोटी से कौन दोस्ती करता है? हाँ मैं देख तू पूरा मत मान. तुझे ट्रू फ्रेंड इसलिए तो तुझे बोल रहे. देख तू इतनी मोटी फिर भी हमने तुझसे दोस्ती की है ना. दैट्स व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू राइट. अरे बेल बज गई यार. लंच ब्रेक ओवर हो गया. चल चलते हैं. अरे यार ये बैग ना इतने भारी है. कौन इतना स्टेयर चढ़ के लेके जाएगा? मानस अनु क्यों ना तू ना हमारा बैग लेके चल. ये ले. मैं क्यों तू लेके जाऊं? क्योंकि तू इतनी मोटी है. क्योंकि तू इतनी मोटी है यार. यू लूज सम वेट. तो स्टेयर्स में तीन तीन बैग लेके जाएगी सो यू लूज वेट. चल 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 ये ले. चल मानसी लेट हो रहा है. कितनी मोटी हो गई हूँ. डबल चिन भी आ गया है. आयु और मानसी सही कह रहे थे. मैं वजन सही में बढ़ गया. मुझे कंट्रोल करना होगा क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग रही है. कल से कुछ नहीं खाया है. खा लेना चाहिए ना मुझे. थोड़े से कुछ थोड़ी होगा. कुछ तो खा ही लेती हूँ. अनु तू ये बिल्कुल नहीं खाएगी ठीक है? हाँ. वैसे ही तेरा पेट इतना मोटा होता जा रहा है. इफ यू ईट दैट माय गॉड इज गोना बी आउट ऑफ कंट्रोल. एग्जैक्टली. किचन में क्या खोज रही? भूख लगी है क्या? नहीं वो मम्मा वो मैं पानी पीने आई थी. अनु कल भी तुमने अपना टिफिन वापस लेके आई और शाम को भी तुमने कुछ नहीं खाया और आज भी अपना टिफिन वापस लेके आई. यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया था फिर भी नहीं खाई. अरे हाँ मम्मा पता है मुझे बस भूख नहीं थी. बेटा मैं सब समझती हूँ. तुम्हारा पेट ना कुछ और ही बोल रहा है. बताओ ना मुझे क्या हुआ? कल से जब से तुम कॉलेज से आई हो ना कुछ बदली बदली सी लग रही हो. बेटा मुझे सब कुछ बता सकती हो तुम. अरे मम्मा मैं तो परेशान क्यों करो रहे हैं दोनों. मेरे को भूख नहीं मतलब भूख नहीं है. अरे अनु सुन तो. क्या हुआ
बेटा बताओ ना, तुम कल से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? बेटा तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, बोलो ना क्या हुआ? मम्मा हेट माय बॉडी, मैं कितनी अगली दिखती हूँ, देखो ना मैं कितनी मोटी हूँ, मेरे पास कितने स्ट्रेच मार्क्स है बॉडी में, और वही नहीं मेरे पास इतने एक्नेस भी हैं, मेरे लिप्स भी कितने टैंड है, और यहाँ तक चश्मा भी गंदा दिखता है, मैं बहुत अगली हूँ, आई हेट माय बॉडी। ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। लेकिन मम्मा कॉलेज में जब मैं गई थी ना, दो लड़कियां थी। बेटा तुम उनकी बातों को इतना अपने मन पे ले रही हो? बेटा तुम्हें दुनिया में ना हेटर्स हर जगह मिलेंगे, जो तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, बट हमें क्या करना है, उनको इग्नोर करना है। तुम्हें पता है बेटा, तुम खुद को कितना भी बदल लो ना, लेकिन कोई ना कोई बहाना खोज लेंगे तुम्हें डिमोटिवेट करने का। तो इसकी वजह से हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे हैं, समझी? सच्ची माँ? हाँ। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे रियलाइज करवाया मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी, मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। तो देखा गाइस, आज के वीडियो में हमने यही सीखा है कि दुनिया में आपके पास बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड होंगे जो आपको पुट डाउन करेंगे और डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना और खुद को बिलीव करना है। अगर आपको वीडियो का मॉरल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हम आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।